सभी खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। जो कपल इस प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रहा उन्होंने लिए 78 सेकंड। बस जो दूसरे स्थान पर रहा वो कपल ने लिए 75 सेकंड। और जो प्रथम स्थान पर रहा उस कपल ने लिए 70 सेकंड। अरे पर बताओ तो सही, वो तीन कपल है कौन से? तो तीसरे स्थान पर आए हैं मिस्टर एंड मिसेस मेहता। दूसरे स्थान पर आए हैं मिस्टर एंड मिसेस भिड़े। और प्रथम स्थान पर आए हैं मिस्टर एंड मिसेस तुझे करते प्रणाम है हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। सारी रेस में ब्रॉन्ज मेडल की विजेता है मेहता साहब और अंजलि भाभी। ताली बजाओ भाई ताली। मिसेज आत्माराम सही बात है। आओ आओ किधर, अरे आओ किधर से आओ, पर एक मिनट आप लोग जरा जगह तो था जाने का। अच्छा नंबर वन हम लोग है भाई। आओ नीचे एक मिनट आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आराम से आराम से। हाँ 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 चढ़ जाओ वापस चढ़ जाओ। और गोल्ड मेडल की विजेता है दया भाभी और चेठालाल गड़ा। प्लीज गिव देम अ बिग हैंड। अरे अच्छा हुआ डॉक्टर हाथी और कोमल भाभी नहीं जीते,
नहीं तो वो लोग दोनों कैसे खड़े रहते हैं? क्या बोले अय्यर भाई आप? नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। फिर ठीक। दर्शकों को बताइए, देखिए आपने इतनी जल्दी जेठा भाई को साड़ी कैसे पहनाई? पैट्रिक, यानी कि दया भाभी ने किसी पैट्रिक नाम के स्टाइलिस्ट से ट्रेनिंग ली है। अरे भाई वो बोल रही है पैट्रिस, पैट्रिस। माफ करिएगा दर्शकों, पैट्रिक नहीं पैट्रिक। अरे भाई वो प्रैक्टिस बोल रहे हैं, मतलब कि उन्होंने प्रैक्टिस की है। प्रैक्टिस एक सिंपल चीज समझ में नहीं आती है इसको। किसने बनाया इसको पत्रकार? जाने दे जाने दे। इसका मतलब ये है दया भाभी कि आप जेठा भाई को रोज साड़ी पहनाती हैं? मार मार या माइको उसका माथे पर मार। क्या है कि मेरे ससुराल में या मायके में कहीं पर भी शादी हो ना तो दुल्हन को मैं ही साड़ी पहनाती हूँ, तो पैट्रिक हो गई। और हमारे खानदान में क्या बहुत शादियाँ होती है, इसका बहुत जम के पैट्रिक होती है। चुप रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ, दो दो मम्मी, एक चोटी वाली मम्मी एक मूछों वाली मम्मी। तो अभी आपने देखा एक शानदार मजेदार गेम, चलिए देखते हैं अगला गेम कौन सा होगा। अब हम जो खेल खेलेंगे वो बड़ा ही मजेदार खेल है, और इस खेल में मजा है, बहुत सही गेम था ये। लाला, अरे यही गेम था तो फिर इसमें जीता कौन? ये गेम नहीं है, मतलब यही गेम है लेकिन अलग तरीके से खेलनी है। आप सबको अपने मुंह से बलून में हवा भरकर फिर गांठ मारकर उस पर बैठकर बलून फोड़ना है। हंस, तुम तो यूं गुब्बारे फुलाओगे, गेम तो हम ही जीतेंगे। सही बात है। इस खेल में एक टीम में दो लोग होंगे। और इस खेल में टीम के खिलाड़ी हम तय करेंगे। इस गेम का नाम है ब्लास्ट द बलून। माय डियर ऑल प्लेयर्स, ये बलून की गेम हमें सुख दुख में कैसे जीना वो सिखाती है। जैसे कि बलून में हम ज्यादा हवा भरेंगे तो फूट जाएगा, कम हवा भरेंगे तो जल्दी नहीं फूटेगा।
इसी तरह जीवन में सुख में ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए और दुख में निराश नहीं होना चाहिए। इसी तरह हम जीवन जिएंगे तो हमारे जीवन का बलून उड़ता ही रहेगा, उड़ता ही रहेगा, उड़ता ही रहेगा। देखिए जीवन में ए भाई, तो शुरू करते हैं ब्लास्ट द बलून। एंड वन थिंग कीप इन माइंड ऑल प्लेयर, हर एक खिलाड़ी को इस खेल में सिर्फ एक मिनट मिलेगा। तो अब मैं खेलने बुलाऊंगा भिड़े भाई और माधवी भाभी को। खेल महोत्सव में अब बहुत ही फनी लेकिन इंटरेस्टिंग गेम शुरू होने वाला है जिसका नाम है ब्लास्ट द बलून। दोस्तों इस गेम में ताकत और दिमाग से ज्यादा जरूरत होगी स्पीड और स्फूर्ति की। तो चलिए देखते हैं इस गेम में कौन सी जोड़ी जीतती है। रेडी? हाँ रेडी रेडी रेडी। आदिव आदिव एक काम करता हूँ, मैं भूखा फुलाता हूँ और तुम गाठ मारना, बाद में डिसाइड करते कि कौन बैठ के फोड़ेगा नहीं फोड़े। ना लेक्चर दे रहे हो, समय शुरू हो गया है। फुगाई अभी फुगाई नहीं का फुलाई है, फुलाई तेज से फुलवा। ओ ओ ओ ओ चल जल्दी करो, कम ऑन बेटा कम ऑन। करते बाद भी भाई वो भिड़े अपने जमाने में फुग्गे फूलते थे कि नहीं? तेरे काय फूक फूक करते माधवी। ए भिड़े भाई फुग्गा फोड़ना है, कुर्सी नहीं तोड़नी है। नहीं नहीं उसको ऐसे स्कूटर स्टार्ट करने की आदत है। माधवी भाभी आपको असल में बलून में गांठ नहीं मारनी चाहिए थी, भिड़े को डांट मारनी चाहिए थी। भिड़े भाई और माधवी भाभी ने दो बलून फोड़े। अब आएंगे रोशन भाई और रोशन भाभी। अरे हाँ हाँ रेडी और रेडी से रेडी एकदम जल्दी जल्दी जल्दी। अरे रोशन इसमें इतनी हवा भर रहा हूँ, हवा जा की देने गई यार। रोशन ये फुग्गा फूटा हुआ है, इसमें होल है, एक नहीं दूसरा ले। दूसरा दूसरा ले ना जल्दी। अरे टाइम कम है जल्दी। अरे यार भाई शांति रखो, उनको खेलने दो ना भाई। क्या करना भाई, हो
तो रोशन भाई और रोशन भाभी ने सिर्फ एक बलून फोड़ा। अब आएगी हमारी कुंवारी टीम, मतलब पोपट भाई और सुंदर भैया। इसका पैर पड़ना भी नहीं आता, लगा दिया पेट में मुझे। सॉरी रेडी है भाई। जेठालाल इसमें क्या चीटिंग? अरे भाई ऐसा नीचे बैठ के छाते से थोड़ी फोड़ सकते फुगा। जज ने क्या बोला था, बैठ के बलून फोड़ना है, तो मैं बैठ के फोड़ रहा हूँ। अरे ऐसे बैठ के नहीं फोड़ना है। ऐसा बोला था कि कुर्सी के ऊपर बैठ के फोड़ना जरूरी है। ओ पोपटलाल होलो, जजेस ने ये कहा था कि आपको बलून खिला के कुर्सी पे रखना है, खुद बलून पे बैठ के उसे फोड़ना है। समझा डिब्बे? अच्छा फिर से, नाउ योर टाइम स्टार्टेड। नो 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 नो, ए सुंदर, वो तूने पहले से फुला है और रखते है, चीटिंग है। या चीटिंग के नाम पे टीचिंग मत देते हो जीजा जी। अरे सुंदर ध्यान से, बलून फूटे ना फूटे पोपट लाल की टांग टूट जाएगी। डिब्बा दब गया। गेला पोपट लाल, गेला गए गए पोपट लाल के पैर गए। पोपट भाई और सुंदर भैया ने 6 बलून फोड़े। चलिए ने चलो चलो। अब आ रहे हैं सबसे शक्तिशाली डॉक्टर हाथी और कोमल भाभी। फोड़ने की प्रतियोगिता, ये अनूठी प्रतियोगिता भाई, कमाल की प्रतियोगिता, ये जीकेएम में ही हो सकता है, गोकुलधाम खेल महोत्सव में कमाल हो गया, गुब्बारे फोड़ने की प्रतियोगिता। और हमारे यहाँ पे जो गोकुलधाम के जोड़े हैं वो कमाल कर रहे हैं। और अब बारी आई है डॉक्टर हाथी की। भाई डॉक्टर हाथी और कोमल भाभी,
आप डॉक्टर हाथी का डील डॉल तो जानते ही हैं। मेरा ख्याल से वो एक ही सांस में एक ही फूंक में गुब्बारा फुला देंगे, लेकिन अब गुब्बारे को वो फोड़ पाते हैं या नहीं ये सोचने वाली बात होगी, क्योंकि ये बड़े मनमौजी गुब्बारे हैं साहब। अब खिलाड़ी गुब्बारे से खेले या गुब्बारे खिलाड़ी से खेले ये देखने वाली बात है। अब देखिए ना, अब ये गुब्बारे कितने किस तरह से फोड़ते हैं ये तो बात की बात है, लेकिन देश में कुछ गुब्बारे ऐसे हैं जो मैं चाहता हूँ कि फूट जाए, जैसे महंगाई का गुब्बारा, भ्रष्टाचार का गुब्बारा, वो गुब्बारे जो हमारे रिश्तों में तनाव पैदा करते हैं, ये तमाम गुब्बारे फूट जाए ताकि हम सुख से शांति से चैन से रह सके। लेकिन अभी यहाँ पे आपको ये देख रहा है कि इस GKM यानी कि गोकुलधाम खेल महोत्सव में इस गुब्बारे फोड़ने की प्रतियोगिता में जो जोड़े जो कपल्स बचे हैं वो क्या करते हैं, कितने गुब्बारे फोड़ते हैं और कितने हंगामे होते हैं, एक बात तय है, यहाँ गुब्बारे फूटेंगे और वहाँ हंसी के गुब्बारे आपके घरों में। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना, चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।